हेलो एवरीवन, दिस इज मी ऋतिका उपमन्यु एंड आप सभी का स्वागत है न्यूज मीडिया 47 की बुक रिव्यू सीरीज में। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे मोमेंट्स को जीते हैं, एंजॉय करते हैं एंड वो हमें काफी टाइम तक याद रहते हैं, बट थोड़े टाइम के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं एंड काफी ऐसी छोटी छोटी खुशियां होती है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से। हमारी लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी है कि हम अपनी लाइफ की छोटी छोटी मोमेंट्स को जीना भूल चुके हैं। उनमें खुश रहना, हंसना, हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी खुशियों से ज्यादा हमारा काम, पैसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ने हमारी लाइफ को ज्यादा घेर लिया है। तो आज जिस बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो काफी स्पेशल बुक है क्योंकि वो सिर्फ हमें हमारी लाइफ से जोड़ती नहीं है, वो हमें हमारी लाइफ को जीना सिखाती है। उस बुक का नाम है लव अ लिटिल स्ट्रॉन्गर बाय प्रीति शेनॉय। बुक अगेन अ शॉर्ट स्टोरी बुक बेस्ड ऑन ऑथर्स लाइफ। दिस बुक कंसिस्ट बीट हर चाइल्डहुड स्टोरीज, हर टीनेज लाइफ, हर मैरिज ईयर्स, हर स्ट्रगलिंग फेज, कैसे वो स्ट्रगल करके ऑथर बनी, ये बुक वो सब कुछ कवर करती है। सो दिस बुक इज एक्चुअली लाइक अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ ऑथर्स लाइफ। टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द बुक, तो बुक की लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी है पढ़ने में, बट जितना ही उसका कंटेंट इजी है उतनी ही ये बुक डीप रूटेड। एज आई सेड अर्लियर, इट्स अ शॉर्ट स्टोरी बुक, सो ऐसा नहीं है कि आपको ये कॉन्टिन्यूटी में ही पढ़नी है और आपको इस चीज स्किप कर देंगे या भूल जाएंगे अगर आप बीच में छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक स्टोरी को कंप्लीट करके आराम से इस बुक को छोड़ सकते हैं, कभी और भी पढ़ सकते हैं। इन दिस बुक शी टॉक्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स जो 90s की किड्स के लाइफ में होती थी, जैसे ट्रंक कॉल्स, फ्लॉपी डिस्क को कितना ज्यादा यूज किया जाता, स्लो इंटरनेट। उस टाइम की लाइफ काफी ज्यादा सिंपल होती थी जस्ट बिकॉज भी हमारे हाथों में वो मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। उस टाइम के लोग एक्चुअली अपनी लाइफ जीते थे। ऑथर ने सिर्फ एज अ मदर बहुत सारे इसमें अपने और अपने बच्चों से रिलेटेड इंसिडेंट शेयर करे हैं जिससे हमें समझ आता है कि पेरेंट्स लोग अपने बच्चों से कैसे ज्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, कैसे उनको खुश कर सकते हैं, कैसे उनको समझ सकते हैं एक्चुअली में उनकी प्रॉब्लम्स को। बिकॉज आज के टाइम में ये हो गया कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा हो गया बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड बिजी स्केड्यूल्स ऑफ आर पेरेंट्स एंड आर लाइफ। तो ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम बन गया एक्चुअली में सबकी लाइफ में। इस बुक ने गिव अ सेंस ऑफ रियलाइजेशन दैट इट्स ओके टू लेट इट गो। कई बार क्या होता है, हम अपने पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों की गलतियों को या बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स की एक्शंस को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं या समझ नहीं पाते। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक फेद होना मस्ट है, मस्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड चिल्ड्रन और इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड पेरेंट। बिना ट्रस्ट के, बिना फेथ के ना आप अपने बच्चों को कहीं भेज पाएंगे ना आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे। एक्चुअली देयर आर सो मेनी मोटिवेशनल बुक्स आउट देयर इन द मार्केट, बट होता यह है कि बहुत सारी बुक्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है बट हमें एक्चुअली में कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता उस चीज का। बीट आर प्रॉब्लम्स और आर पेरेंट्स प्रॉब्लम्स और आर लाइफ प्रॉब्लम्स और किसी भी टाइप की, बट इस बुक में ऑथर ने एक प्रॉपर पर्सनल सोल्यूशन शेयर करा है जिससे मुझे लगता है कि हर कोई इस बुक को पढ़ के प्रॉब्लम्स का एक बहुत ही आसान सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकता है। द बुक गिव्स अस द मैसेज दैट इफ वी आर ब्रेविंग द स्टॉर्म इन आर लाइफ, अगर हम किसी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं तो इट्स ओके, द स्टॉर्म विल गो, प्रॉब्लम्स विल गो एंड द स्काई विल बी क्लियर सून। कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी खत्म नहीं होगी या उनका कोई एंड नहीं आएगा, बट अगर हम गिव अप कर देंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है एक्चुअली में। वी शुड वैल्यू आर सराउंडिंग्स, पीपल, नो मैटर व्हाट देयर नेचर इज और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब चीजें फर्क पे ध्यान ना देकर वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन एंड लव एवरीवन। हेटेड से किसी को कुछ नहीं मिलता लाइफ में, हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते रहते किसी और को हेट करते करते।
दिस बुक इज लाइट एंड एक्चुअली मीनिंगफुल. सो अगर आप लोग कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव पढ़ना चाहते हैं, तो आई रिकमेंड यू, दिस इज अ मस्ट रीड बुक. और ऐसे ही और बुक रिव्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ.